आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहने याद आई हैं, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए हैं, क्योंकि 6-7-8 हफ्ते में चुनाव है। मध्य प्रदेश चुनाव एक रोमांचक दौर में आ पहुंचा है, जहां दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी पूरी जान लगा रखी है। इसी दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में पीएम मोदी पर खूब निशाना साधा और कहा, मोदी जी यहां आकर शिवराज जी का नाम लेने में भी शर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, अब मोदी तो आपके सीएम बनने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि पिछले 18 सालों में यहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नया अस्पताल बना, कोई मेडिकल कॉलेज खोला, तो क्या कर रहे हैं ये मोदी जी? यहाँ आते हैं आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो, तो वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 50 मिनट के भाषण में 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेकिन मैं एक सलाह दे देती हूं, जितनी बार कांग्रेस का नाम लेते हैं विकास का नाम ले लीजिए। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूँ उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में है, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी, लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि काम नहीं किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीधा प्रहार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किया। आप भी वीडियो को अंत तक देखें। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहने याद आई हैं, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए हैं, क्योंकि 6-7-8 हफ्ते में चुनाव है। शिवराज जी, ये कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। आपको ये दुखी किसान, जिसको खाद और बीज के लिए भटकना पड़ता है, जिसको न्याय के लिए भटकना पड़ता है, आप इसकी आवाज सुन नहीं सकते, आपके कान नहीं चलते, आपको ये बेरोजगार नौजवान नहीं दिखते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, शिवराज जी आंख नहीं चलती, पर आपका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। शिवराज सिंह जी तो नारियल अपने जेब में लिए घूमते हैं, जब सड़क का नारियल फोड़ने जाते हैं, नारियल तो टूटता नहीं, सड़क जरूर टूट जाती है, ये हालात है। ये बचा क्या है अब बीजेपी के पास? छिपाना, दबाना और डराना, सही बात है, यही बचा है। अब तो शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड के चुनाव दिख रहा है, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। शिवराज सिंह के झूठ तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये शिवराज सिंह जी, आपको पूरे प्रदेश ने पहचान लिया है। मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।